ओम शांति। हम सभी को इस पुरुषोत्तम संगम युग पर सर्वश्रेष्ठ परमात्म प्यार मिला। सोचो, जिसकी एक झलक पाने के लिए हम तरसते थे, उस प्यार के सागर ने आकर हमें अपना निर्मल प्यार दिया, निस्वार्थ प्यार दिया। उस प्यार को पाकर हम तृप्त हो गए। उस प्यार में आत्माओं के जन्म जन्म के दुख समाप्त हो गए। कईयों को तो लगा कि उन्हें भी प्यार करने वाला कोई है। जब बुजुर्ग लोगों को बाबा बच्चे बच्चे कहते थे तो उनके नैन भर आते थे। जब रोज मुरली में मीठे मीठे बच्चे शब्द आता है तो प्रभु प्रेम की अनुभूति होती है। इस प्रभु प्रेम की पालना में हम सभी स्वयं को तृप्त करें, इस प्यार को महसूस करें। भगवान स्वयं हमारा मात पिता है। जैसे संसार में लौकिक मात पिता अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, वो अलौकिक और परलौकिक मात पिता तो हमें बहुत बहुत प्यार करता है और उस प्यार में वो हमें महान बनाना चाहता है। उस प्यार में वो हमें संसार में चमकाना चाहता है। उस प्यार में वो हमें स्वयं को बाप समान बना देना चाहता है। ऐसा महान प्यार जो केवल पुचकार नहीं लेकिन जिसके पीछे एक महान ध्येय है हमें महान बनाने का। हम इस प्यार के मूल्य को पहचाने और इस प्यार में मग्न हो जाएं। भगवान वाच है, एक के प्यार में मग्न होना यही संपूर्ण ज्ञान है। तो आइए हम अपने संपूर्ण ज्ञान को इमर्ज रखते हुए एक बाप के प्रेम में लगातार मग्न होने का अनुभव करें। और ये भी याद रखें, जो इस समय प्रभु प्रेम में मग्न रहेंगे उन्हें जन्म जन्म भी संबंधों में प्यार मिलेगा और द्वापर युग के बाद भी उनके चित्त में प्रभु प्रेम की तरंगे उठने लगेंगी और उन्हें भी महसूस होगा कि हमें बाबा का प्यार मिलता है। अपने से पूछें, यदि हमें भी बाबा से इतना प्यार है तो क्या हम उसकी सुनते हैं? यदि हम उसकी सुनते ही नहीं होंगे तो हमारे परमात्म प्यार का कोई स्वरूप कोई लक्षण रह नहीं जाएगा। प्यार में तो कुर्बानी की जाती है। यदि सचमुच हमारे दिल में एक बाबा बसा हुआ है तो उसके महावाक्य उसकी शिक्षाएं उसकी आज्ञाएं भी हमें सिरोधार्य करनी है। अगर वो कहते हैं कि बच्चे पर चिंतन न करो, यदि वे कहते हैं कि बच्चे किसी को दुख न दो, मुख से कटु वचन न बोलो, तो हमें इस आज्ञा को सहज स्वीकार कर लेना चाहिए। यही हमारे प्यार का संपूर्ण स्वरूप है और यही परमात्मा प्यार का सुंदर रिटर्न भी होगा। तो आइए प्रभु प्रेम में स्वयं को मग्न करें, उस प्रेम में स्वयं को संपूर्ण करें। प्रभु प्यार को पाकर देहधारियों के प्यार को समाप्त करें। प्रभु प्रेम में मग्न होकर मोह ममता से ऊपर उठ जाएं तो हमारा ये जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। प्रभु प्रेम की पालना का अनुभव निरंतर हमें होता रहेगा। तो आज सारा दिन हम इस प्यार को महसूस करने के लिए स्वयं को देह से न्यारा करेंगे। मैं आत्मा अलग, ये देह अलग है, बिल्कुल न्यारापन, और बाबा से मीठी मीठी रूरिहान करेंगे। हे बाबा, आपने मुझे ये दिया।
शुक्रिया करते रहेंगे, तुम्हें पाकर हम धन्य धन्य हो गए, आपने हमें सब कुछ दिया, आपको कोटि कोटि बार प्रणाम, आपको कोटि कोटि बार शुक्रिया। आप हमें न मिलते तो हमारा जीवन कैसा होता, आप हमें न मिलते तो माया की दलदल में हम भी नष्ट हो गए होते, हम भी पाप की सरिता में बहकर बहुत गंदे नाले के समान बन गए होते। आपने हमें बचाया, आपने हमें पवित्र किया, आपका कोटि कोटि बार धन्यवाद। इस तरह बाबा से बातें करते हुए उसके प्यार में मग्न रहेंगे। ओम शांति।